तो आज हमारे द्वारा सभी पार्षद बंधुओं द्वारा मांग की गई है कि पुनः इसका हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट सर्वे कराया जाए, डिमार्केशन कराया जाए, सीमांकन हो और इसका तरमीम होकर के ही ये सर्वे हो, जिससे कि अधिक से अधिक आमजन को राहत मिल सके। मेरा नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान जेएन सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मैं आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है, प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उप महापौर नीरज जैन के नेतृत्व में पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल मिला कलेक्टर से। जिला कलेक्टर से कच्ची बस्तियों को डी नोटिफाइड कर पट्टे देने के लिए निगम को अधिकृत करने की मांग। बुधवार को नगर निगम उप महापौर नीरज जैन के नेतृत्व में पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित से मिला। नीरज जैन ने जिला कलेक्टर से प्रशासन शहरों के संग अभियान के लिए हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज उपलब्ध करवाने, ग्राम थोक तेलियान एवं माल्यान के राजस्व मानचित्र में सरकारी जमीन जंगलात एवं सीमांकन तथा कच्ची बस्तियों को डी नोटिफाइड कर पट्टे देने के लिए निगम को अधिकृत करने की मांग की है। उपमहापौर नीरज जैन ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान प्रस्तावित है। जिला प्रशासन अजमेर द्वारा अभियान की प्रारंभिक तैयारियां की जा रही हैं। इस संदर्भ में कलेक्टर से निवेदन किया है कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ग्राम थोक तेलियान एवं ग्राम माल्यान के राजस्व मानचित्र में सरकारी जंगल दर्शाया गया है, जिसमें नगर निगम अजमेर के वार्ड नंबर 61, 62, 63, 66, 39, 72, 73 और 74 में कच्ची बस्ती एवं आबादी बसी हुई है। राजस्व ग्राम थोक माल्यान व थोक तेलियान में स्थित अधिकतम भूमि राजस्व रिकॉर्ड में जंगल वन अथवा वन विभाग के नाम से दर्ज चल रही है। साथ ही सिवायचक एवं आबादी का जंगलात की भूमि से तरमीन नहीं होने व सीमांकन नहीं होने से पट्टे देने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चूंकि गत 50 से 55 वर्षों से जनसंख्या के घनत्व के दृष्टिगत ऐसे कई क्षेत्र जैसे भोपों का बाड़ा, रामदेव मंदिर के पास लामड़ी, शमशान रोड, हरिजन बस्ती, मीरशाली, जयपुर रोड, मुख्य सड़क के पास बसी पवन सुत कॉलोनी, हर्ष विहार कॉलोनी, नई बस्ती, इंदिरा कॉलोनी, गोगरा घाटी, दातानगर, हरिनगर, गणेशगढ़, हिम्मतनगर, राजीव कॉलोनी, आतेड़ बस्ती, गांधीनगर आदि की भूमि पर लोगों ने वर्षों से कच्चा पक्का आवास निर्माण कर लिया है और मेहनत मजदूरी कर वहीं पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। चूंकि राजस्थान सरकार द्वारा आगामी माह में प्रशासन शहरों के संग अभियान प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें जनता की मूलभूत समस्याओं का निराकरण भी शामिल है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कच्ची बस्तियां जो कि नोटिफाइड हैं उसके अथवा विभिन्न बस्तियों में नल, नाली, सड़क व बिजली की सुविधाएं भी उपलब्ध है। ऐसी विभिन्न बस्तियों को डी नोटिफाइड करने से वहां के निवासियों को पट्टे दिए जाने से उन बस्तियों के निवासियों को राहत मिलेगी। हाल ही होने वाले प्रशासन शहरों के संग जो कैंप लगने वाले हैं, उन कैंपों में अधिक से अधिक अजमेर की जनता को रिलीफ मिले, अधिक से अधिक आम जन के पट्टे बन पाएँ, इस मुद्दे को लेकर के आज जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है। क्योंकि हम सभी पार्षद जिन क्षेत्रों से आते हैं, अजमेर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और उस पहाड़ी क्षेत्र में जंगलात विभाग द्वारा बार बार इस प्रकार का दावा करना कि यह ज़मीन जंगलात की है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, लेकिन वहाँ 50 साल से 55 साल से जो निवास कर रहे हैं, चाहे वो रामदेव नगर कच्ची बस्ती हो, चाहे दातानगर कच्ची बस्ती हो, चाहे प्रताप नगर लोहा खान हो, चाहे घूगरा घाटी हो, ये उस चाहे इसी प्रकार आदर्श नगर के जो बालूपुरा क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में आज दिन तक ये तरमीम नहीं हो पाया, वो सीमांकन नहीं है, वो पीटी सर्वे नहीं है कि कहाँ तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और कहाँ तक आबादी की भूमि है, नगर निगम की भूमि है, एडीए की भूमि है या निजी खातेदारी की भूमि है। तो आज हमारे द्वारा सभी पार्षद बंधुओं द्वारा मांग की गई है कि पुनः इसका हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट सर्वे कराया जाए, डिमार्केशन कराया जाए, सीमांकन हो और इसका तरमीम होकर के ही ये सर्वे हो, जिससे कि अधिक से अधिक आमजन को राहत मिल सके, उनको पट्टे दिए जा सके। इसके अतिरिक्त हमारे अजमेर के जो नोटिफाइड कच्ची बस्तियाँ हैं, जिसमें 12 बस्तियाँ तो
नगर निगम के पास है, तकरीबन 48 बस्तियां एडीए के पास है। हमारे द्वारा मांग की गई है कि 69A में रिलैक्सेशन दे करके इन बस्तियों को डी नोटिफाई किया जाए, क्योंकि ये बस्तियां जो नोटिफाइड बस्तियां हैं उनमें सड़क नाली बिजली सब काम हो चुके, लेकिन पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं या पट्टे देने में कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है। डी नोटिफाई करके इनको निगम को अधिकृत कर दिया जाए, निगम वहाँ पर पट्टे दे सके, जिससे कि आम जन को राहत मिल सके, आम जन को पट्टे मिल सके। असम सरकार, नगर निगम पार्षद सभी मिलकर आज हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों की ओर शिविर लगने वाला है, जिसमें कई कस्ती बस्तियाँ ऐसी हैं और कई फॉरेस्ट का क्षेत्र ऐसा है जहाँ आबादी बस चुकी है। कलेक्टर साहब से हमने यही निवेदन किया है, ज्ञापन देकर सभी 15 पार्षदों ने, कि एक हाई रेवोल्यूशन सैटेलाइट सर्वे करवाएं, जिससे कि क्षेत्र का आकलन किया जा सके और स्पष्टीकरण किया जा सके, जिससे कि हमें भी और जनता को और प्रशासन को परेशानी नहीं हो, सही समय पर जो प्रशासन शहरों की ओर शिविर लगेगा उसका लाभ जनता को मिल पाए। तो कलेक्टर साहब ने पूरा विश्वास दिलाया है कि जो भी कॉलोनीज़ हैं, जितनी भी कॉलोनीज़ हैं, सभी पार्षदों के साथ में मिलकर नीरज भाई साहब के सानिध्य में आकर सब लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब ने पूरा विश्वास दिलाया है जल्द से जल्द जॉइंट मीटिंग करेंगे, उसके अंदर वन विभाग और नगर निगम प्रशासन और जितने भी तहसील के ऑफिस हैं उनको सबको बैठा कर मीटिंग का कर जल्द से जल्द हम लोग सभी यही कोशिश कर रहे हैं, जो भी कच्ची बस्तियाँ हैं और जो आबादियाँ करीबन 50 से 55 सालों से अपने साथ रह रही हैं और वार्ड में रह रही है, तो हम सभी की जिम्मेदारी बनती है उन लोगों, तो जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं और प्रशासन शहरों की और जो पट्टे मिलने की व्यवस्था है उसके अंदर अधिक से अधिक लाभ मिले उनको।